बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तमाम देखने वाले व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मौजूदा जो सिचुएशन है वो दो तरह की बनी हुई है, एक तरफ स्मोग है और साथ ही साथ विंटर वेकेशन यानी सर्दियों की छुट्टियाँ हैं। स्मोग और सर्दी की वजह से भी छुट्टियों के मुतल्लिक एक अहम अनाउंसमेंट है और साथ ही साथ जो है दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन हैं वो आ रहे हैं NCOC की तरफ से। तो दूसरी तरफ जो है वो साथ साथ 2022 के एग्जाम और स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी कुछ न्यू अपडेट्स हैं आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, विंटर वेकेशंस के हवाले से, स्मोक की वजह से और साथ साथ ओमिक्रॉन की वजह से। तो मैं आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करता हूं, पूरी वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को समझ आ जाएगी। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि लाजमी तौर पर आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप तो अपना एरिया बताएंगे कि कहां से बिलोंग करते हैं, वहां पर स्मोक की क्या सिचुएशन है, विंटर वेकेशन जो है वो वहां पर सर्दी की क्या सिचुएशन है और साथ साथ ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के ऊपर कितना कंट्रोल है। तो दूसरी तरफ जो है आप क्या चाहते हैं कि क्या तालीमी इदारे दोबारा से बंद होने चाहिए और एग्जाम 2022 में भी स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी राय बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देते चलूँ कि जो एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन शेयर किया गया है उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो क्या कुछ लिखा गया है वेकेशन के हवाले से, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को वो भी बताऊंगा। तो आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स जो है वो एक अपनी रिक्वेस्ट जो है, आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो आपको वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर कर लें क्योंकि यहां से आपको वैलेंटाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन के रिलेटेड अपडेट्स जो है वो मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को बता चलूं कि स्मोग और सर्दी की वजह से जो तालीमी इदारे बंद होने जा रहे हैं, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स जो पूछ रहे हैं कि तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं होंगे, तो उस सिलसिले में एक ताज़ा तरीन जो अपडेट शेयर की गई है वो ये शेयर की गई है कि जो वजारत तालीम है और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक मरासला जो है वो जारी किया है, उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि तालीमी इदारों को बंद किया जाए स्मोग और सर्दी के जो खतरात हैं ताकि जो है साथ साथ कोरोना के ऊपर भी काबू पाया जा सके। तो उस सिलसिले में जो है जो तजावीज़ तैयार की गई हैं, जो सजेशन दी गई हैं, उन सजेशन के अंदर ये कहा गया है कि तालीमी इदारों को तकरीबन जो है वो एक माह के लिए जो है वो सबसे पहले बंद किया जाए, एक माह के अंदर जो है वो सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो उस सिलसिले में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये तजवीज़ सामने आ रही है और इस सिलसिले के अंदर के तालीमी इदारे जो है वो बंद होंगे तो कोरोना के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा, कोरोना की जो वैक्सीनेशन का टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा और साथ साथ सर्दियों की जो छुट्टियाँ होनी हैं तकरीबन 7 से 10 दिन, तो उस सिलसिले में साथ स्मोक की वजह से भी जो सारी की सारी सिचुएशन बनी हुई है तो ये भी कंट्रोल में हो जाएगी। तो आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स जो है उनको बताते चलूँ कि जो तजावीज़ है, जो सजेशन है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक है। इस सिलसिले में जो है वो हतमी जो ऐलान है और हतमी जो फैसला है वो बाकायदा एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हैं वो करेंगे और बैन सूबाई कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाएगा जो 9 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा और इस सिलसिले में जो स्मार्ट सिलेबस है उसका भी फैसला हो जाएगा कि स्मार्ट सिलेबस जो है अगर तो छुट्टियां एक्सटेंशन की तरफ जाती हैं तो फिर 2022 के एग्जाम जो है उसको भी स्मार्ट सिलेबस के ऊपर रखने के पर होर जो है वो शुरू हो चुका है। और आप तमाम देखने वाले व्यूअर्स को पता चलूँ कि आपने अपनी जो तैयारी है वो पूरी रखनी है, यानी आपने अपनी तैयारी के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़नी, स्टार्ट से लेकर एंड तक अपने कोर्स को कवर करें, आगे जो है जो भी इम्तिहान होगा उसके अंदर जो भी फाइनल एजेंडा सामने आएगा 9 दिसंबर को वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा, व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो आप इंशाल्लाह खान टीचिंग के साथ टच रहेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी से अच्छी मिलती रहेंगी। आप खान टीचिंग को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल नोटिफिकेशन उसको जरूर ऑन करें ताकि आप तमाम देखने वाले व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला तमाम देखने वाले व्यूअर्स को हमेशा कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।